नमस्ते प्यारे बच्चों। हेलो दोस्तों मेरा नाम नीरज है और मेरा नाम है तुषा आज की इस मनोरंजक बातचीत में हम आपका स्वागत करते हैं पर पहले यह तो बताइए कि आज की बातचीत किस बारे में है आज की बातचीत का विषय मेरी मुट्ठी में है अनुमान लगाओ कि मेरी मुट्ठी में क्या है आपके मुट्ठी में है टॉफी नहीं और सोचो रबर जी नहीं कुछ ऐसा जो खनकता है सिक्के जी हाँ सही पहचाना आज हम बातचीत करेंगे रुपए पैसे की अच्छा यह तो सच में बहुत मजेदार विषय है गणित का यह विषय कक्षा दो की गणित की पाठ्यपुस्तक की इकाई दस में दिया गया है। मतलब मेले का आनंद जी हाँ इस इकाई के पिछले भाग में हमने रूपल के साथ मेले का आनंद लिया था हाँ रूपल ने मेले में अपने दोस्तों के साथ खूब मजे किए हम्म, और वह यह कर पाई पैसों की मदद से। पैसों की मदद से हम कितना कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल सही पिछले भाग में हमने कुछ नोट देखे थे आज हम सिक्कों की बात करेंगे मैंने भी कुछ सिक्के देखे हैं। एक रुपए का दो रुपए का पाँच का और दस का हम्म रुपए के अलावा क्या आपने पैसों के सिक्के भी देखे हैं पैसों के भी सिक्के होते हैं जी हाँ पैसों के भी सिक्के होते हैं मैं आपको पैसों के सिक्के दिखाती हूँ ये देखो हमारे पास यहाँ पर कुछ पैसों के सिक्के हैं क्या आप इन्हें देखकर पहचान सकते हैं कि ये कितने कितने पैसों के सिक्के हैं ये है दस पैसे का सिक्का ये है बीस पैसे का सिक्का ये पच्चीस पैसे का सिक्का और ये पचास पैसे का सिक्का बिल्कुल ठीक ऐसे ही एक लड़की थी तेजल अच्छा तेजल की दादी ने उसे कुछ पुराने सिक्के दिखाए जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे ऐसे ही कुछ सिक्के आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं हाँ मैं देख सकती हूँ सबसे पहले पैसे पर लिखा है पच्चीस मतलब यह है पच्चीस पैसे का सिक्का दूसरे पर लिखा है पचास यह है पचास पैसे का सिक्का उसके बाद है दस पैसे का सिक्का और फिर बीस पैसे का सिक्का आपने तो सही पहचाना तेजल की दादी माँ उसे एक रुपया देने के लिए पचास पैसे के दो सिक्के देती थी अब मैं भी आपको पचास पैसे के दो सिक्के देती हूँ और आपको बताना है कि पचास पैसे के दो सिक्के मिलकर कितना बनाएंगे? पचास के दो सिक्कों का मतलब हुआ पचास जमा पचास और पचास और पचास हुए सौ यानी सौ पैसे हम्म सौ पैसे मिलकर बनाएंगे एक रुपया बिल्कुल ठीक तो हम यहाँ रखेंगे एक रुपये का सिक्का पचास और पचास हुए सौ और सौ पैसे मिलकर बनेंगे एक रुपया अगर हम एक एक पैसे के सौ सिक्कों को मिला दें तो वो बनाएंगे एक रुपया चलिए बताइए कि एक रुपया देने के लिए पच्चीस पैसे के कितने सिक्के देने होंगे आपको नीचे दिए गए बॉक्स में चित्र बनाना है एक रुपया मतलब सौ पैसे हमें पच्चीस पैसे के सिक्के मिलाकर सौ पैसे बनाने हैं हम्म, पच्चीस के दो सिक्के मिलकर बनाएंगे पच्चीस और पच्चीस बनाएंगे पचास बिल्कुल ठीक अगर हम पचास में एक और सिक्का जोड़ेंगे तो पचास और पच्चीस हुए पचहत्तर बिल्कुल ठीक अगर हम पिचहत्तर में एक और सिक्का जोड़ेंगे तो कितना बनेगा पिछहत्तर और पच्चीस हुए सौ तो कुल सिक्के हुए एक दो तीन चार चार सिक्के तो दोस्तों एक रुपया देने के लिए पच्चीस पैसे के चार सिक्के देने होंगे अगर मैं पूछूं कि बीस पैसे के कितने सिक्के एक रुपया बनाएंगे इसके लिए हमें बीस में बार बार बीस तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक उनका जोड़ सो नहीं आ जाता दोस्तों आप ये सवाल खुद हल कर सकते हैं चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और एक खेल देखते हैं जिसका नाम है गुब्बारा फोड़ो क्या इसमें मुझे गुब्बारे फोड़ने हैं? नहीं नहीं गुब्बारे तो मटरू को फोड़ने हैं तो फिर मुझे क्या करना है बताती हूँ बताती हूँ मटरू के सामने एक गुब्बारा फोड़ो खेल आता है उसे दस रुपए के लिए तीन अवसर मिलेंगे गुब्बारे फोड़ने के लिए आइए देखें कि मटरू कितने रुपए जीतता है पर कौन सा गुब्बारा फोड़ने पर कितने रुपए मिलेंगे यह कैसे पता चलेगा देखो इस बोर्ड के एक तरफ प्राइज मनी लिखा है यानी इनाम की राशि देखो और बताओ कि पिंक गुब्बारा फोड़ने पर उसे कितने रुपए मिलेंगे अगर वो एक पिंक यानी गुलाबी गुब्बारा फोड़ता है तो उसे एक रूपये मिलेगा हम्म और रेड गुब्बारा फोड़ने पर उसे मिलेंगे दो रूपये ब्लू यानी नीला गुब्बारा फोड़ने पर पाँच रूपए पीला गुब्बारा फोड़ने पर दस रुपए और हरा गुब्बारा फोड़ने पर बीस रूपये मिलेंगे बिल्कुल ठीक ये नियम तो ठीक बता दिए आपने आप बताओ कि मटरू को गुब्बारा फोड़ने पर कितने रुपए मिलेंगे पहले बारे में उसने फोड़े दो गुब्बारे एक लाल और एक गुलाबी लाल गुब्बारा मतलब दो रुपए और गुलाबी गुब्बारा मतलब एक रुपए कुल हुए तीन रुपए। अरे वाह क्या बात है चलो दोस्तों अब उसकी अगली बारी देखते हैं उसने फोड़े तीन गुब्बारे लाल हरा और एक और लाल लाल गुब्बारा मतलब दो रुपये हरा मतलब बीस रुपये और एक और लाल मतलब दो रुपये कुल हुए दो और बीस हुए बाईस बाईस और दो हुए चौबीस हम लिखेंगे चौबीस रुपए। चलिए अब देखते हैं अगले बारे में उसने कितने गुब्बारे फोड़े सारे जवाब आप ही दे दोगे तो हमारे बाकी के साथी क्या करेंगे अच्छा तो फिर बाकी के दोनों जवाब मेरे दोस्त अपने आप दे देंगे हम्म ये तो हो जाएगा पर बात यहीं खत्म नहीं होती है अब अगला सवाल सुनो यदि वह नीचे लिखी धनराशि प्राप्त करना चाहता है तो उसे कौन से गुब्बारे फोड़ने होंगे उन्हें बनाइए और रंग पिछले सवाल में हमें गुब्बारे दिए गए थे और धनराशि बतानी थी अब हमें धनराशि दी गई है हमें गुब्बारे बनाने हैं हम्म बिल्कुल सही और इसके लिए उसे कितने अवसर मिलेंगे दी गई राशि बनाने के लिए केवल तीन अवसर मिलेंगे अच्छा मतलब तीन गुब्बारे ही फोड़े जा सकते हैं सही समझे सबसे पहले है सत्रह रुपए सत्रह रुपे है बनाने के लिए वह फोड़ेगा एक पीला एक नीला और एक लाल कैसे समझाओ जरा पीला गुब्बारा मतलब दस रुपए नीला मतलब पाँच रुपए और लाल मतलब दो रुपए दस और पाँच हुए पंद्रह पंद्रह और दो हुए सत्रह अरे वाह लेकिन अब आपको बनाने हैं बाईस रुपए इसके लिए वह फोड़ेगा एक हरा गुब्बारा एक लाल गुब्बारा हरा मतलब बीस और लाल मतलब दो बीस और दो हुए बाईस बहुत अच्छे अब अगली धनराशि देखते हैं अगली धनराशि है इकतीस रुपए। हाँ दोस्तों ये सवाल आप अपने आप करें आपको तीन ऐसे गुब्बारे चुनने हैं जिनका जोड़ इकतीस बने चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर अब आपको बताना है कि आप सबसे अधिक पैसे जीतने के लिए कौन से तीन गुब्बारे फोड़ेंगे अरे यह तो बहुत ही आसान है जिन गुब्बारों को फोड़ने से सबसे अधिक धनराशि मिलेगी मैं तो उन्हीं गुब्बारों को फोड़ दूंगी अरे वाह बच्चों आप सबसे अधिक पैसे जीतने के लिए कौन से तीन गुब्बारे फोड़ेंगे दी गई जगह में उनके चित्र बनाइए और रंग भी भरिए इसके बाद आपको गुब्बारों से जीती गई कुल राशि दिए गए खाने में लिखनी है अब तक तो की हमने तीन अवसरों की बात अगर उसे चार अवसर मिलते तो हम्म बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने अगर उसके पास चार अवसर हो तो वह कौन से गुब्बारे फोड़े जिससे उसे अधिक राशि मिले उनके चित्र बनाइए और रंग भी भरिए और इसके बाद गुब्बारों से जीती गई कुल राशि दिए गए खाने में लिखिए बच्चों जैसे मटरू ने गुब्बारे फोड़कर यह खेल खेला इसी तरीके से आप भी घर बैठे इस खेल को खेल सकते हैं इसके लिए आपको चाहिए कुछ रंग बिरंगे गुब्बारे और उनकी राशि तय करें और फिर हो जाएं शुरू खेल खेलना अरे वाह इस तरह तो मेले का आनंद घर पर ही लिया जा सकता है हाँ हाँ क्यों नहीं तो बच्चों आप लीजिए मेले का आनंद अपने घर पर हम भी चलते हैं और इस खेल को खेलते हैं हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए खेल के साथ तब, तब तक, तक के लिए नमस्कार नमस्का।